कभी आप जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे एक जो है रिज्यूमी का जो है डिमांड किया जाता है। रिज्यूमी आपके क्वालिफिकेशंस को दिखाने का सबसे बेहतरीन और आसान तरीका है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक प्रोफेशनल रिज्यूम सिर्फ 5 मिनट में कैसे तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप टाइप करेंगे डिजाइन माई रिज्यूम, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। प्रोफाइल पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर को सिलेक्ट कर लीजिए। प्रोफाइल पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अपना नेम एंटर करेंगे। आप अपना यहाँ पे नेम एंटर करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद आप यहाँ पे अपना नेशनलिटी चूज कर लेंगे। नेशनलिटी चूज करने के बाद आप इसके बाद यहाँ पे अपना एड्रेस एंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद एड्रेस इंटर करने के बाद आप यहाँ पे जो है अपना कॉन्टेक्ट डिटेल्स डाल दीजिए। आप अपना जो है यहाँ पे ईमेल डाल दीजिए। ईमेल इंटर करने के बाद आप जो है अपना मोबाइल नंबर इंटर कर दीजिए। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आप यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर इंटर कर दीजिए। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद इसके बाद जो है आप अपना यहाँ पे एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो आपके पास है उसके लिए आप जो है यहाँ पे एंटर कर देंगे। चलिए हम प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है अपना एंटर कर देते हैं। अगर आपके पास एक से अगर ज्यादा आपके पास अगर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो आप उसके लिए यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है जितने भी एक्सपीरियंस है उसके लिए आप यहाँ पे ऐड करते चले जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पे एजुकेशनल जो है आपका जो भी आपका एजुकेशन रहा है उसका आप जो है यहाँ पे डिटेल्स जो है आप यहाँ पे आप जो है यहाँ पे फिल करेंगे। तो अगर आपका जो भी आपका एजुकेशनल डिटेल्स है आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। अगर आपने जो है एक से ज्यादा आपका एजुकेशनल डिटेल्स है उसके लिए आप जो है प्लस आइकन पे क्लिक करके उसको ऐड करते चले जाएंगे। जब जब आपको लगे कि मेरा जो है रेज्यूमे जो है बन के तैयार हो चुका है तो आप यहाँ पे जो है डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक कर देंगे। अगर आप जो है आपको अगर इसमें कुछ ऐड करना है तो आप जो है सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे। सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे प्रोफाइल और ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके पास जो है अगर कोई स्किल है तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके पास कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो उसके लिए ये वाला ऐड कर दीजिए। इसके बाद जो है देखिए यहाँ पे और सारे ऑप्शन जो है बहुत जो है ऑप्शन यहाँ पे आ गया। तो आप यहाँ पे जो है अगर आपको कोई अगर एक्सपीरियंस जो है कोई अगर आपके पास स्किल्स है तो उसको यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए। कंप्यूटर एक्सपर्ट डाल दीजिए, जो भी अगर आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है तो उसको यहाँ पे एंटर कर दीजिए। इसके बाद जो है जब आपको लगे कि ये मेरा रिज्यूमे जो है बन के तैयार हो चुका है तो आप यहाँ पे A4 साइज क्लिक कर लेंगे। A4 साइज क्लिक करने के बाद आप जो है यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करके आप चेक कर लीजिए। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आपका रेज्यूमे जो है काफी हद तक जो है बन के तैयार हो गया है। तो उसका देखिए यहाँ पे काफी बढ़िया जो है आपका रेज्यूमे जो है आपका बन के जो है तैयार हो चुका है। तो इस तरह से जो है आप काफी जो है प्रोफेशनल जो है एक रेज्यूमे जो है आप बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में। अगर आपको जो है ये रेज्यूमे अगर आपको डाउनलोड करना है तो इस डाउनलोड वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद आपका रेज्यूमे जो है डाउनलोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मेरा रेज्यूमे जो है यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अगर आपको जो है अगर इसको प्रिंटआउट निकलवा निकलवाना है तो आप किसी शॉप पे जाके इसका प्रिंटआउट आप जो है बड़ी आसानी से जो है आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप जो है सिर्फ 5 मिनट में जो है एक प्रोफेशनल जो है रेज्यूमे जो है आप बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।